नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आज मैं आपको लेके आया हूँ जो ऊँटों को टोले होते हैं ना उस जगह पे लेके आया हूँ। यहाँ पे एक नहीं दो नहीं हजारों टोले हैं, ये ऊँटों की यहाँ पे सेल परचेज होती है तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको नज़र आ रहेंगे ना तो वहाँ तक आपको ऊँट ही ऊँट नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आपको राजस्थान में जितने भी नस्ल के ऊँट हैं ना, साचौरी, बाड़मेरी, बीकानेरी, जितने भी नस्ल के ऊँट हैं ना, वो इस जगह एक ही जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ के जो ऊँट पालक हैं और व्यापारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे इन ऊँटों के बारे में, क्योंकि ऊँट अपने राजस्थान की एक शान होती है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको इनकी जानकारी देता रहूँ। देख लियो टाइम इधर को आज जाने ना कोई स्कूल आता भाई नहीं मतलब और क्या सब 16 के मान देख लो देनी हो तो पत्थर ही दिए हमको 10 या के जाए जाए मैं जब तो टाल ले जाए क्या के देते हैं तो 20 में देते मार एक ये तो देनी है 20 में तो 50 तक कौन सा माल भैया कोई बात नहीं। ये कौन सी किस टोल्डी की रेट बताइए अपने? इस वाली बहुत प्यारी टोल्डी है, बहुत अच्छा दाम दे बता दिया है इन्होंने, वाजिब दाम बता दिया आपने, फिर भी नहीं लेके गए। आपकी बार मेला कैसा चल रहा है बाबूजी? जोरदार चल रहा है ना। आपकी बार व्यापारी अच्छे हैं लेकिन जो ऊँट पालक कम पहुँचे हैं आप अभी तक? हाँ, कम पहुँचे तो लेकिन दो साल से तो निराशा था, हाथ लग रही थी इस मेले से, अब की बार अच्छी लगी है। कितने ऊँट लेके आए तो कितने ऊँट लेके आया बाबूजी? अपना हाँ बिचा 2000 ऊँट 3 ऊँट ऐसे ही बिचा। अच्छा अच्छा, कौन सी नस्ल की थे आपके पास? मैं नस्ल वाले कौन सी नस्ल की थे? नस्ल की था तो मारवाड़ की नस्ल, मारवाड़ी है। मारवाड़ी है सारी। यह बीकानेरी। कौन सा? ये वाला बीकानेरी। अच्छा अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। तो ये ऊटनी है, कौन सी नस्ल की है ये ऊटनी? बीकानेरी है। बीकानेरी। तो बाबूजी ने अच्छा दाम लगा दिया लेकिन बहुत अच्छी रेट बता दी लेने वाले को। दे वो तो अपन वो मामला डिसमिट हो गया। डिसमिट हो गया तो दूसरा और कराएगा जाएगा। हाँ सही बात है आपकी, आपकी बात तो व्यापारी खूब है यहाँ पे, बहुत व्यापारी है खूब। चलो धन्यवाद आपका, धन्यवाद के लाया दोनों है, क्या बात। इधर देख देख इस्माइल देख प्यारी जी। तो दोस्तों, पुष्कर में मेले में आते हो तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी राजस्थान की वेशभूषा पहन के आते हैं और लोगों को मनोरंजन भी करते हैं। एक बार बचा के बता देना इसको। ये देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा बच्चा है ये देख। तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पे आप ऊँटों को देख रहे हो ना, सब ये आराम कर रहे हैं, ये देख रहे हो ना, सब आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और इनके जो ऊँट पालक हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह जो सौदा होता है ना, वो जो पशुपालक आते हैं या व्यापारी आते हैं वो परचेज कर लेते हैं, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? जयपुर से। जयपुर से? हाँ जी। तो यहाँ ऊँट लेने के लिए आए हो? क्या बेचने के लिए आए? बेचने। कितने ऊँट आपके? ऊँट 25 ऊँट लेके आया था। 25 ऊँट कितने रहे? 25 के 25 खड़े हैं अभी, कोई दो तीन बिके हैं। अच्छा, 20 ऊँट खड़े हैं अभी। तो जो आपकी बार क्या उनके ग्राहक की कम है क्या? ग्राहक की तो कम है ही है, लेकिन राजस्थान का राज्य पशु है, सरकार कोई खरीदता नहीं, बाहर जाने में परेशानी आती है। अच्छा, जैसे कोई परचेज लेके जाता है तो बाहर लेके जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, रोकते हैं लोग, तो वो सबसे ज्यादा समस्या है। पूरे पैसे नहीं मिल पाते, फिर वहाँ निकालते हैं, वो दो नंबर से निकालते हैं तो पुलिस जेब भरती है, जब बाहर निकालने देती है। बिल्कुल सही। बॉर्डर से बाहर जाते हैं पुलिस पैसे लेती है, जब निकाल देते हैं तो हमारे लिए तो नुकसान ही नुकसान है। राज्य पशु बनाने से नुकसान है, बाहर नहीं जाता पशु, जब राजस्थान से बाहर जाएगा तो हमारे लिए बड़े पैसे मिलेंगे, राजस्थान में रहेगा तो हमारे लिए कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो बाहर के लोग खरीदेंगे तभी तो बिकेगा माल। सही बात है, जब अंदर बाजार ही नहीं होगा तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, राजस्थान के कौन लेने वाले हैं? सब बाहर के लोग बिहार बंगाल जाते हैं तो हमारे लिए बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ आपके इसमें। हाँ हाँ। तो ये कौन सी नस्ल के बच्चे हैं? ये नस्ल के नागौर के हैं। नागौरी है। हाँ।
अच्छा तो अभी इनका चारा खिला रहे हो आप? हाँ, चारा खिला रहे, क्या करें। कितने को ऊँटे हैं आपके पास? मेरे पास में हैंगे 10-15 एक नगे। 10-15 नगे? हाँ। और सारे नागौरी के? हाँ, सारे नागौरी है, कोई मेवाड़ की भी है, सब तरह की नस्ल है। अच्छा, मेवाड़ की भी है? हाँ, इनमें कोई बीकानेर की नस्ल है। अच्छा, जैसे आपके मान लो ये तो मेला है, ऊँटों का मेला है, तो इसके बाद में आपसे कोई ऊँट खरीदना चाहे तो आपके कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे को बता दीजिए। काफी पशुपालक वीडियो देख रहे हैं तो आपके कॉन्टेक्ट करके आपके जो जहाँ पे होंगे वहाँ पे आ जाएंगे, तो कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए आप। हाँ, तो कॉन्टेक्ट नंबर तो मेरे मोबाइल नंबर ले लें। 36 14 86 ठीक है जी। दोस्तों देखो अंग्रेज किस तरह से बच्चों से बातचीत कर रहा है। मैजिक 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 कमिंग 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 तो दोस्तों आप देख सकते हो पुष्कर मेले में ये ऊँट कितने प्यारे लग रहे हैं, और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं हजारों की संख्या में आपको ऊँट देखने को मिलेंगे। और मैं आज आपको ये ऊँटों का दृश्य दिखा रहा हूँ, तो आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को शेयर करते रहना आप।